एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सब लोग पूछ रहे हैं कि पप्पू सर आप कैसे 15 केजी वेट कम कर लिए इतने कम दिनों में। देखिए मेरा बहुत ये निकला हुआ था लेकिन मैंने काफी मेहनत किया। और सबसे बड़ी चीज है कि एक्सरसाइज के अलावे हम क्या खाते हैं इस पर आज बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं पप्पू सर आपका डाइट प्लान क्या है, आपका शरीर जो है बहुत ही स्लिम हो गया है, बहुत ही चर्बी जो है डाउन हो गया है, तो चलिए हम बताते हैं कि क्या खाते हैं। मेरे डाइट में पहले बहुत सारे चीज थे, जैसे दूध का छेना लेते थे रात में और सलाद लेते थे, दिन में ओट्स लेते थे, चिकन चावल लेते थे, लेकिन अब वो सब चीज पूरी तरह से बंद कर दी। अभी हम जो है सिर्फ सुबह जब हम एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं तो EAA और ए है ग्लूटामिन, ये दोनों मिक्स करके एनर्जी ड्रिंक के रूप में पानी जो है हम लेते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को हाइड्रोलाइज होने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं, जिसमें हम ग्लूटामिन और EAA दोनों को लेते हैं। उसके बाद में दिन का जो भोजन होता है सुबह का एग लेते हैं, 6-7 पीस एग ले लेते हैं सुबह में, और खीरा लेते हैं। उसके बाद अभी ड्राई फ्रूट भी बंद कर दिए हैं, मेन रूप से एक चिकन सलाद और यह है प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन है, सुबह में 1 चम्मच और शाम में 1 चम्मच लेते हैं। उसके बाद में ये देख रहे हैं मल्टीविटामिन्स है, 1 टैबलेट सुबह में 1 टैबलेट शाम में लेते हैं। उसके बाद में ये है ओमेगा 3, 1 टैबलेट सुबह में और 1 टैबलेट शाम में लेते हैं। बस यही मेरा जो है, पहले हम फ्रीक लेते थे, अब मैंने फ्रीक बंद कर दिया है। और ओट्स देखिए, ओट्स मैंने पहले ओट्स चपाती तो बहुत दिन हो गया, करीब 7 महीने से हम रोटी नहीं खा रहे हैं, लेकिन ओट्स खा रहे थे, ओट्स को भी मैंने बंद कर दिया। अब क्या है, राइस को भी मैंने बंद कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो थोड़ा सा डाइट को मेंटेन करें और बॉडी पर इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप कितना पैसा वाले हैं, कितना धनवान है, यह मायने नहीं रखता है जब आपका शरीर खराब होगा। इसलिए प्राथमिकता दें शरीर को। शरीर के अंदर में 3rd ग्रेड का भोजन कभी नहीं कीजिए, ना ही नाश्ता कीजिए। देखते हैं अभी मार्केट में लिट्टी समोसा लोग भर भर पेट खा ले रहे हैं, क्या जरूरत है खाने का, ये सब 3rd ग्रेड का भोजन। अगर आप ऐसा भोजन खाएंगे तो आप कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। भरे बाजार में आप लिट्टी और समोसा खाने के लिए बैठ जाते हैं और आप दिखाते हैं कि हम नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन वह 3rd ग्रेड का भोजन है, जिससे आपका हेल्थ जो है, आपका हेल्थ 3rd ग्रेड का बन जाता है। इसलिए आप भरे बाजार में आप ऐसे चीज को ना खाएं। लिट्टी समोसा एक 3rd ग्रेड का फूड है जिसको हम लोग खाते हैं, चाहे फास्ट फूड हो, तो ऐसे फूड से बचें, क्योंकि अगर 3rd ग्रेड का भोजन करेंगे तो 3rd ग्रेड का ही हमारा सेहत होगा।